हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान का चौथा अध्याय पदार्थ, धातु और अधातु। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक सारणी देखिए, आयरन मतलब लोहा कैसा होता है, कैसा इसका कलर है, देखने में कैसा है और कठोर है या नरम है, ये चीज़ इसमें बतानी है। तो देखो, आयरन देखने में हल्के से काले दूसर कलर का होता है और कठोर होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है ना। कोयला बिल्कुल काले कलर का होता है, ये कठोर भी होता है और नरम भी होता है। सल्फर गंधक, ये हल्के से भूरे कलर का होता है और ये नरम होता है। एल्युमिनियम, ये हल्का सफ़ेद फेस कलर का होता है, सफ़ेद कलर में, ठीक है, और ये भी कठोर होता है। कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, तांबे कलर हल्का सा लाल कलर लिए हुए, गहरा कलर होता है, हल्का सा लाल गहरा कलर, और ये हल्का सा नरम होता है। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु हैं। अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसा ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? तो एक क्रियाकलाप करते हैं, आइए जानें। एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्युमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए। ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट न पहुंचा लें। जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्युमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इस प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी में रिकॉर्ड करिए। तो लोहे की कील कैसी हो गई, चपटी हो जाती है तो पीटने पर। कोयले का टुकड़ा, ये टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। एल्युमिनियम का तार चपटा हो जाता है और पेंसिलेट, ये भी टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। आपने देखा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्युमिनियम पन्नी परणिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिलेट जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? क्या आप बिना प्लास्टिक के लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था को घायल होने से बचाता है जब आप गर्म वस्तु को पकड़ते हैं। इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा होगा, उसका हत्था किस प्रकार का होता है, क्यों? आइए जानें। याद करिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रभाव होता है या नहीं, यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है, चित्र 4.2। आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। प्रेक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत कीजिए। पदार्थों की वैद्युत चालकता, तो देखो, लोहे की कील वैद्युत चालक होती है, गंधक वैद्युत चालक होता है, कोयला
विद्युत का कुचालक होता है और तांबे का तार विद्युत का चालक होता है। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है जबकि गंधक और कोयला कुचालक है। ओ, अपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यह हमने कक्षा 6 में सीखा था। आप एल्यूमिनियम और तांबे का तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी हैं? निश्चित रूप से नहीं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की सीट या प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो अब आप प्रयास कर सकते हैं। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि, रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक डिब्बे में निर्मित, दूसरा एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? क्योंकि धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघात वर्धक, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मदा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिसमें सामान्यतः ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं होते, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातु के उदाहरण सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस इत्यादि। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन से जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रियाओं में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया पूरा कीजिए। आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल H2O, ये मिलकर मैग्नीशियम ये अभिक्रिया क्या बनाता है? ये बनाता है Fe2O3 प्लस H2 गैस बाहर निकलती है यहाँ से, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बनता है MgO2, सीधा ये MgO2 बना लेता है। आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग एक चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उन्हें बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह से हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नील लिटमस पत्रों से करिए। आप क्या देखते हैं, विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जमा हो जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अभिक्रिया निम्नलिखित है, 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, ये मिलकर बनाते हैं CuOH2 का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3, ठीक है। दो तरह के पदार्थ बनते हैं नम वायु में। नम वायु में तीन चीज़ें होती हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर आप प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति
जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करें। क्रियाकलाप है, टीचर द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म कीजिए, मतलब जलाने वाली चम्मच में। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी की बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं और इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट लीजिए, जैसा कि चित्र 4.41 में दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार या कांच के गिलास में ले जाएं। चित्र 4.4A, गिलास को एक ढक्कन से बंद कीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति प्रकार से हिलाइए, विलयन का परीक्षण कीजिए। लाल और नीले लिटमस पत्रों से इसको चेक करना है ना। तो देखो यहाँ पर क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं, वो इस सारणी में बढ़ने हैं। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल में विलेय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस जल H2O प्लस सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में काम में आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे। उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए। उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु का धातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। जल के साथ अभिक्रिया, आइए देखें धातु और अधातु निम्न प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। एक क्रियाकलाप है 4.5, शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। प्रदर्शन के समय विशेष सावधानी रखी जाएगी। सोडियम धातु के टुकड़े का आकार लगभग गेहूं के दाने के बराबर हो, इसे चिमटी द्वारा पकड़ना चाहिए। एक 250 ml का बीकर या कांच का गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। यह सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम का टुकड़ा काटिए, फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए, सावधानी पूर्वक प्रेक्षण लीजिए। प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छूइए। आप क्या अनुभव करते हैं, क्या बीकर गर्म हो गया? विलयन का लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण कीजिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? आपने देखा होगा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल में धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः यह धातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु से बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के धातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अम्लों से अभिक्रिया, आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो इसका उदाहरण एक क्रियाकलाप दे रखा है, सावधानी। पर्शनली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। पर्शनली पकड़ने के लिए बर्तन होल्डर या पर्शनली होल्डर का उपयोग करिए। यहाँ पर एक सारणी दे रखिए, ठीक है। धातु और अधातु के अम्लों से अभिक्रिया को इसमें दिखाना है कि किसके साथ ये किस तरह से अभिक्रिया करता है, कितने तापमान पर करता है।
तो यहाँ पर देखो आगे सारणी 4.5 सूचीबद्ध धातु और अधातुओं के नमूने पृथक पृथक प्रणालियों में लीजिए और उन्हें ए बी सी डी ई और एफ में एफ से चिन्हित कर दीजिए। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक प्रणाली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। अभिक्रिया का सावधानीपूर्वक परीक्षण करिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो प्रणाली का हल्का गर्म करिए। प्रत्येक प्रणाली के मुंह पर एक हल्की जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यही अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.5 में लिखिए। क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? प्रणालियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न हुई है? आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा होगा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। क्षारों से अभिक्रियाएं शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियाओं को प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़े। एक प्रणाली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उसकी 3-4 टिकियाँ 5 ml जल में घोल कर बनाइए। इसमें एक एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीखी प्रणाली के मुंह के निकट लाइए। ध्यान से प्रेक्षण लीजिए। इस तरह से यहाँ पर दिखेंगे आपको कॉपर नीला इस तरह दिखेंगे सब ना। तो अब देखो प्रेक्षण लेते समय पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है। पहले एक तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल हैं। तो सबसे पहले विस्थापन अभिक्रियाएं। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए कि आपने कक्षा 7 में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ और अभिक्रियाओं को देखें। 100 ml के 5 बीकर लीजिए और उन्हें ए बी सी डी और ई चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए। प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6A में दर्शाए पदार्थों में से प्रत्येक का एक एक चम्मच घोल लीजिए। तो सबसे पहले बीकर ए में कॉपर सल्फेट CuSO4+ जिंक का टुकड़ा ZN ये लेना है। दूसरे में बीकर बी में कॉपर सल्फेट CuSO4+ लोहे की कील डालनी है इसमें। तीसरे में जिंक सल्फेट ZnSO4+ तांबे की छीलन कॉपर का चूरा लेना है। चौथे या बीकर डी में आयरन सल्फेट FeSO4+ तांबे की छीलन कॉपर सल्फेट का चूरा डालना है और बीकर ई जिंक सल्फेट में ZnSO4+ लोहे की कील डालनी है। यह अलग अलग बीकर में डालना है। अब क्या परीक्षण मिलते हैं वो देखते हैं। बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में रिकॉर्ड करिए। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पैंदे पर कॉपर की लाल चूर्ण जमा हो जाती है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ये दोनों मिलकर बनाते हैं जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर अलग हटा देता है, कॉपर की जगह जिंक आ जाता है। ठीक है, जिंक रंगीन होता है और कॉपर हल्का सा लाल कलरली होता है। आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर पहली क्या करिए, मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रियाओं को समझ लिया है, परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूँ कि बीकर सी डी और ई में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर बी में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था, क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कॉपर
जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है, परंतु क्यों? जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता? याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रिया क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? तो आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। जिसमें जल्दी अभिक्रिया होती है वो अधिक क्रियाशील, और जिसमें अभिक्रिया होने में समय लगता है या फिर नहीं होता तो वो कम क्रियाशील। अगला, धातु और अधातुओं के उपयोग, क्या उपयोग हैं? आप अनुमान लगा सकते हैं, लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातु उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप इनका सही अनुमान लगा पाएंगे। सबसे पहले, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, तो कौन से हो? ऑक्सीजन। अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, कौन कौन से हैं? सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो पदार्थ हैं ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, तो ये है क्लोरीन। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, तो इसका है बीटाडीन, ठीक है। इधर बैंगनी कलर किसका होता है? बीटाडीन आयोडीन का होता है, ठीक है। तो आयोडीन इसका यहाँ पर आंसर होगा। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु, तो ये कौन सा? नाइट्रिक अम्ल होता है, तो ये एक तरह से क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। आप अपने अनुभव से धातुओं और अधातुओं के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पहली क्या कह रही है, मैंने सुना कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, यह उनमें किस रूप में पाया जाता है? और बूझो क्या कह रहे हैं, डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है, मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? आयरन मतलब लोहा कहाँ है? तो देखें, आपने कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं से नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिसमें अभिक्रिया होती है। अब यदि किसी रासायनिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा या अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है, इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए, द्रव सल्फर को परमाणु पूर्ण रूप से ठोस और वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, उन्हें बताने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व या तो अधातु या उपधातु हैं। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अपना अध्याय खत्म होता है। यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं जिन्हें आप आसानी से दे पाएंगे। निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है जिंक, क्योंकि जिंक धातु है इसलिए। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी धातुएं तन्य होती हैं? ये सही नहीं है। दूसरा, सभी अधातुएं तन्य होती है, ये भी सही नहीं है। गय, सामान्य धातुएं तन्य होती हैं, ये सही है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, ठीक है। और घ, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य होती हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसका
गए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फास्फोरस बहुत क्या है, अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, ये क्या करता है, हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो ज्वलनशील धातु बोल सकते हैं इसको। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, तो पहले में विद्युत आएगा, दूसरे में सुचालक। गए, आयरन कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि आयरन लोहे में जंग जल्दी लग जाती है, इसलिए। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ठीक है, H2 गैस बाहर निकलती है, जिसमें हाइड्रोजन भरा जाएगा। चौथा, यदि कथन सही है तो टी, टी मतलब ट्रू, और यदि गलत है तो कोष्टक में F, F और फाल्स लिखना है। तो सामान्यतः यह धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो ये फॉल्स है, सामान्यतः नहीं करते, यह धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, धातु ये करती हैं। दूसरा, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो ये ट्रू है, ठीक है। गए, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, तो ये सही है, ठीक, कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है जिंक की तुलना में, ठीक है, और जिंक लोहे की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ट्रू। कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती हैं, नहीं, इसका मतलब फॉल्स। नीचे दी गई पांच ऑप्शन है, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर लिखिए, तो दिखावट के आधार पर, ठीक है, तो देखो धातुओं में गुण पाया जाता है नहीं पाया जाता, दिखावट के आधार पर। धातु कैसे होते हैं, ये गहरे कलर के होते हैं, ठीक है, और हल्के से भूरे गहरे कलर के होते हैं धातु, और अधातु कैसे होते हैं, अधातु का कोई सा भी रंग रूप हो सकता है, कठोर धातु कठोर होती हैं, अधातु दोनों प्रकार की हो सकती हैं, कठोर और नरम भी। आघात वर्धनीयता धातुओं में पाई जाती है और अधातुओं में किसी किसी में पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं पाई जाती। तन्यता धातुओं में पाई जाती है, अधातुओं में नहीं पाई जाती। ऊष्मा चालन धातुओं में पाया जाता है, अधातुओं में किसी किसी में पाया जाता है। और विद्युत चालन, विद्युत चालन धातुओं में पाया जाता है और अधातुओं में नहीं पाया जाता, लेकिन ग्रेफाइट में पाया जाता है, ठीक है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए, एल्युमिनियम के पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एल्युमिनियम की जो पन्नी होती है वो खुद अभिक्रियाशील एक बार ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके परमानेंट हो जाती है, फिर वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, एक बार अभिक्रिया कर लेती है, उसके बाद ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, उसके बाद वो न तो किसी से अभिक्रिया करती है और न ही किसी को करने देती है, ठीक है, तो वो फिक्स हो जाती है इसलिए। दूसरा, निमज्जन छड़ें या इमर्सन रोड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं, तो सही है, ठीक है, क्यों होती हैं, क्योंकि निमज्जन छड़ें हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए, ठीक है। और जो भी हम कोई भी घोल बनाते हैं उसमें विद्युत प्रवाह करने के लिए हमें विद्युत की सुचालक धातु या विद्युत की सुचालक छड़ी की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपनी निमज्जन छड़ें इसकी धातु की बनाई जाती हैं। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील होता है जिंक से। गए, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और जैसे ही वायु के साथ अभिक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेते हैं। सातवां, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में रख सकते हैं, स्पष्ट करिए, नहीं, क्योंकि नींबू के जो अचार होते हैं वो खट्टे होते हैं और खट्टे अम्लीय प्रकृति को दिखाते हैं और एल्युमिनियम अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्षयित हो जाता है, मतलब इसका क्षरण स्टार्ट हो जाता है। आठवां, नीचे दी गई सारणी के कॉलम एक में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम दो में उनके उपयोग दिए गए हैं, कॉलम एक के पदार्थ कॉलम दो से सही मिलान कीजिए। गोल्ड आभूषण बनाने में काम में आता है, पहले का चौथे से। आयरन मतलब लोहा, लोहा काम में आता है मशीन बनाने के लिए, तो दूसरा पांचवें में। एल्युमिनियम बिजली के तार बनाने
जो खाद्य सामग्री लपेटने में काम में आता है, ऐसे बोलो तीसरे को, तीसरे में कार्बन, कार्बन ईंधन के काम में आता है, कॉपर बिजली के तार बनाने में काम में आता है, और मरकरी थर्मामीटर में काम में आता है। ठीक है, तो इस तरह से भर सकते हैं इसको आसानी से। आगे नवा प्रश्न है, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट के साथ में हम मिलाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाता है वहाँ पर। ठीक है, और पॉप की आवाज़ बाहर आने लगती है, पॉप मतलब पप पप करके आवाज़ बाहर निकलती है। खै ऑप्शन खै, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। तो संबंधित अभिक्रियाओं की समीकरण दीजिए, समीकरण देना है यहाँ पर। तो देखो पहले का तो समीकरण ये है कि H2SO4 प्लस Cu, ये बना के क्या बना लेगा, CuSO4 प्लस H2, और खै में लोहे की कील, मतलब लोहे की कील का फॉर्मूला क्या होता है, Fe प्लस Cu कॉपर सल्फेट CuSO4, तो ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला है। दसवा, सालोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक फर्श नली में इकट्ठा किया, वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी। तो गैस की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेगी, उसको थोड़ा ठंडा होने देगी, ठंडा होने पर उसमें हल्की सी मात्रा में जल मिलाएगी और उसको तुरंत ढक देगी, फिर उसको अच्छे से मिक्स करके और उसे लिटमस पत्रों के द्वारा उसकी प्रकृति ज्ञात कर सकती है। खैर, इस प्रक्रम में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो देखें इस प्रक्रम में होने वाली अभिक्रियाएं इस तरह से होंगी, जल प्लस CO2, जल प्लस CO2, जल गैस बोलते हैं जिसको, ये मिक्स होके बनाएंगे, एक तरह से जल गैस बना लेते हैं, ये मिक्स हो जाता है तो यहाँ पर कार्बनिक जल बन जाता है। तो यहाँ पर बनेगा H2O प्लस CO2, ये दोनों मिश्रण के रूप में रहते हैं, दोनों अलग अलग ही रहते हैं लेकिन एक साथ मिक्स हो जाते हैं। 11वां, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई, उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया, क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं। तो देखो इसका कारण ये है कि सुनार ने पॉलिश करने के लिए जिन धातुओं को लिया था उन्हें थोड़ा सा उन्होंने घिसकर नीचे से उसकी चमक घिसने से धातु में चमक आ गई, लेकिन उसके ऊपर से धातु या सोना कुछ मात्रा में छीलकर हटा दिया गया जिससे उसका वजन कम हो गया और नीचे से धातु में नई चमक आ गई, और छीलने से उसके ऊपर जो ऑक्साइड की जो परत छड़ी हुई थी वो परत हट गई और धातु में चमक आ गई, जिसकी वजह से छीलने के कारण उसका वजन भी कम हो गया थोड़ा सा। तो ये था अपना अध्याय। दोस्तों ये अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ में।